हेलो बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। आखिरकार एक लंबे इंतज़ार के बाद ही सही सीबीएसई के इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी कर दिया गया। क्लास 12 के बच्चों ने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए। क्लास 10 के बच्चे इंतज़ार में हैं, जल्द ही आपका भी रिजल्ट आ जाएगा। इंतज़ार करते रहिए, चेक करते रहिए सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट। जितनी सूचनाएँ हमने आपको दी थी सारी सही हुई, हमने बोला था आज रिजल्ट आएगा, आ गया बच्चों। तो सबसे पहले जो बच्चे पास हो गए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, उनके अच्छे भविष्य की, उनके अच्छे रिजल्ट की बहुत सारी बधाइयां। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। लेकिन बच्चों 50% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो फिर से फेल हो गए। हमारे पास हमने एक पोल करवाया था, उसमें पोल में भी यही सो हो रहा है कि बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया। लेकिन बच्चों हमें आपको ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि क्लास 12th के लगभग 4,500 के आसपास बच्चे हमारे ऑनलाइन गाइडेंस प्रोग्राम में जुड़े थे, जिसमें से अभी तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार जो हमने पोल करवाया था बच्चों का, उसमें उन्होंने जो पार्टिसिपेट किया या जिनके मैसेजेस हमको मिले हैं उसके अकॉर्डिंग 95% से ज़्यादा बच्चे फिर से पास हो गए। हम सबकी तो मार्कशीट अभी यहाँ आपको नहीं दिखा सकते, किसी और वीडियो में कुछ लोगों की दिखाएंगे। यहाँ कुछ एक कमेंट्स आपको दिखा रहे हैं। जब इस तरीके का मैसेज आप करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है कि आपकी मेहनत रंग लाई और हमारा गाइडेंस काम कर गया। आप में से बहुत सारे बच्चों ने हमारा ऑनलाइन गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया था, कुछ लोगों ने फ्रॉड समझ के नहीं ज्वाइन किया, आज वो पछता रहे होंगे। जिन्होंने ज्वाइन किया जो खुशियां मना रहे हैं। खैर, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका फिर से कंपार्टमेंट आ गया या आरटी आ गया या आप फेल हो गए तो अब क्या क्या हो सकता है। अभी भी निराश मत हो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास अभी भी आपके लिए बहुत कुछ है। हमने आपसे एक वादा किया था कि हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक आप पास नहीं हो जाएंगे। तो बस इंतज़ार कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हो सके तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। किस सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट आया है हमें कमेंट करके बता दीजिए, और कितने नंबर से आप फेल हो गए ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चों, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। सबसे पहली बात तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका दूसरी टाइम कंपार्टमेंट आया है। एक बार वो फेल हुए थे, उन्होंने फिर से कंपार्टमेंट दिया और अब फिर से कंपार्टमेंट आ गया। वहीं बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो तीसरी बार कंपार्टमेंट दे रहे थे, थर्ड कंपार्टमेंट जिनका था वो भी फेल हो गए। तो अब ढंग से समझना कि किसको क्या करना है। पहली चीज़ तो ये कि निराश नहीं होना है। अभी अगर 4-5 नंबर से आपका कम हो गया है, इवन 6-7 नंबर से भी आप फेल हुए हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करो। आज हो सकता है रिप्लाई आपको ना मिले, लेकिन आप मैसेज करते रहना, रिप्लाई जरूर मिलेगी। कम से कम 7 से 8 हज़ार मैसेज हमको एक घंटे के अंदर मिल चुके हैं, रिप्लाई हम सबको करेंगे। अगर नहीं कर पाए तो आप हमें 2-3 दिन तक मैसेज करते रहना, हम रिप्लाई सबको करेंगे। तो देखो बच्चों, अभी तो 3 चीज़ें हो सकती हैं, तीनों को समझ लो। पहली चीज़ तो ये, मार्क्स वेरीफिकेशन में आप पास हो सकते हो। कैसे, उसका मैं पूरा तरीका आपको समझाऊँगा और कोशिश करूंगा, हेल्प भी करूंगा, और उसमें कैसे नंबर बढ़ता है पूरी प्रोसेस पता है। बहुत सारे बच्चों का हमने इस बार हेल्प किया था, नंबर बढ़ गया, वो पास हो गए। तो एक तो वो तरीका है। दूसरा, अगर आप फेल हो गए हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ये पहला कंपार्टमेंट था तो दूसरे कंपार्टमेंट का मौका आपको मिलेगा, और वो कंपार्टमेंट आपका होगा फरवरी-मार्च 2025 में। इसके लिए आप सभी को 7-10 अक्टूबर में एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आप भरेंगे, और फॉर्म भरने के बाद आपका एग्ज़ाम फिर से अगले साल बोर्ड एग्ज़ाम के साथ के बच्चों के साथ होगा। उनके साथ आपको एग्ज़ाम देना है, मई में आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप पास हो गए तो एक नई मार्कशीट मिल जाएगी, अगर आप फेल हो गए तो फिर से थर्ड कंपार्टमेंट देने का मौका मिलेगा, जो कि अगले साल जुलाई में होगा। तो 3 मौके कंपार्टमेंट के मिलते हैं। अब जो बच्चे थर्ड कंपार्टमेंट फेल हो गए, उनके लिए बस एक चीज़ बचा है कि वो सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फिर से दें। उनको प्राइवेट कैंडिडेट बनना पड़ेगा, सभी सब्जेक्ट के सिर्फ थ्योरी का एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं होगा। इसकी जो इस सब की जो चाहे सेकेंड कंपार्टमेंट हो, या फिर ऐसे बच्चे जिनको थर्ड कंपार्टमेंट के बाद फिर से प्राइवेट का फॉर्म भरना है, इन सब का फॉर्म आएगा 7 के लास्ट तक। हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको अपडेट करेंगे। अगर आप हमारे ऑनलाइन गाइडेंस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेते हो तो हम आपका फॉर्म भी फिलअप करवा देंगे, उसमें हेल्प करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम आपको अपने ऑनलाइन गाइडेंस में प्रोवाइड करते हैं, और 95% से ज़्यादा बच्चे पास हो गए। हमने कहा था प्रूफ दिखाएंगे आपको, तो अगले कुछ वीडियोज़ में हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे। और बड़ी खुशी है, आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे गाइडेंस लेने वाले बच्चे पास हो गए। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा है तो हमारा गाइडेंस प्रोग्राम जल्दी से ज्वाइन कर लो। हमने लिंक दिया हुआ
हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट की लिंक है cbseguideunp.com, वहाँ पर सारी डिटेल्स दी गई हैं, सब कुछ पूरा प्रोसेस बताया गया है, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरीके से हम हेल्प करेंगे और किस तरीके का पेमेंट आपको करना है, कितना करना है, बहुत ही कम फीस हमने रखी है। दूसरा, हमारे ऑनलाइन गाइडेंस प्रोग्राम का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी देख करके क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। थोड़े से पैसे आपके ज़रूर खर्च होंगे, एक बार आपको पैसा देना है और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक हम आपको पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। तो बिना कुछ सोचे समझे अपने गार्जियन से बात करो, फटाक से ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब की बार अगर आपने देर किया तो आपका 2 साल का नुकसान होगा। तो ये तो 2 चांसेस मिलने वाले हैं। बाकी जो हमने मार्क्स वेरिफिकेशन की बात करी, अभी इसका फॉर्म 2 से 3 दिन के अंदर आएगा, हो सकता है 1 सप्ताह के अंदर आ जाए, और मार्क्स आने के बाद जो मतलब सॉरी इसके फॉर्म्स आने के बाद इसकी नोटिस आएगी। नोटिस में अप्लाई करना होगा, 3 स्टेप्स में आपको अप्लाई करना है। पहले स्टेप में आपको मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है। हम बताएंगे कैसे अप्लाई करोगे, तो मार्क्स घट सकता है, बढ़ सकता है, क्या होगा, हमसे संपर्क करके तब करना। बाकी अगर आपको कोई गाइड करने वाला है देन इट्स वेरी गुड। उसके दूसरे स्टेप में आपको फोटोकॉपी मंगानी पड़ेगी। हम आपकी फोटोकॉपी अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट से रीचेक करवाते हैं और आपको बताते हैं कि किस क्वेश्चन में अप्लाई करने से नंबर बढ़ेगा और कहाँ अप्लाई कर दोगे तो घट जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने पिछले टाइम जो अभी मई में रिजल्ट आया था उसमें रीचेक हमसे करवाया और अच्छे खासे मार्क्स उनके बढ़ गए, 7 से लेकर के 10-10 नंबर तक लोगों के बढ़े हैं। तो उस स्टेप में हम आपकी हेल्प करेंगे और थर्ड स्टेप में मार्क्स कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई करवा देंगे और आपके मार्क्स निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे। बहुत सारे बच्चों का कंपार्टमेंट हटा है और जब आपको एक बार कंपार्टमेंट हटता है तब जो खुशी मिलती है वो हम शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने हमारे साथ, हम पर विश्वास किया था, हमसे जुड़े थे, हमारी बातें मानी थी, हमने जो गाइडेंस दिया उसको फॉलो किया, हमारे मटेरियल्स को पढ़ा, और आज वो जब इस तरीके का कमेंट करते हैं कि सर आपकी वजह से ऐसा हुआ तो बहुत खुशी मिलती है। हुआ तो उनकी वजह से, मेहनत उन्होंने किया, लेकिन हम एक जरिया बने, हमने गाइडेंस दिया और उन बच्चों ने कोशिश की और वो पास हो गए। तो आपको भी बच्चों अगर कोई गाइड करने वाला नहीं, क्योंकि आपके पास मटेरियल होना सफिशियंट नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस आपको चाहिए। और बच्चे बार बार फेल ही इसीलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ तो सब कुछ रखा है, स्कूल में भी पढ़ाया गया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि पास होना कैसे है, किन चीज़ों में कमी रह जा रही, उसको कैसे सुधारना है। तो इन चीज़ों को हम सुधारते हैं, हमारी पूरी टीम है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, हम आपको नोट्स देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं, टॉपिक्स बताते हैं। इस बार हमने गेस्ट पेपर दिया, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए। तो अगर आप गार्जियन हैं और अपने बच्चे को ज्वाइन कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन गाइडेंस प्रोग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जा करके आप ज्वाइन कर लीजिए। थोड़ा सा फीस आपको ज़रूर देना होगा लेकिन उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आपकी हेल्प ना तो स्कूल वाले करेंगे और ना कोई आपको उस तरीके का गाइड करेगा। बहुत सारे होंगे जो आपको बस सांत्वना देंगे, लेकिन जो असली दुख दर्द है बच्चों वो आप ही जानते हो। तो बहरहाल हमारी शुभकामनाएं हैं। जो बच्चे मार्कशीट के बारे में पूछ रहे थे, मैं उनको बता दूं कि मार्कशीट का अब क्या होगा। तो अगर आप रेगुलर बच्चे थे, पहली बार कंपार्टमेंट आया था, तो आपकी मार्कशीट आएगी आपके स्कूल में। अगर आपका थर्ड कंपार्टमेंट था तो आपके घर के एड्रेस पर आपकी मार्कशीट आएगी और इसमें 1.5 से 2 महीने का टाइम लगेगा। तो एक तो सिंगल मार्कशीट आएगी, उसके बाद एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी आएगी जिसमें सारे सब्जेक्ट के मार्क्स दिए होंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। ये मार्कशीट आप डिजी लॉकर से भी प्राप्त कर सकते हैं, 1 से 2 दिन में आपका वहाँ पर अपडेट हो जाएगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। जिनको जो पास हो गए हैं, जो फेल हो गए हैं, उनसे बस यही कहूँगा कि अगर 1 गेंद पे चूक गए 2 गेंद पे चूक गए तो 3री गेंद पर आप सिक्सर मार सकते हो और उसका तरीका हमारे पास है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहो। बच्चों, हमारे WhatsApp नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिंक दिया है, WhatsApp ग्रुप का लिंक दिया है, हमसे बात कर सकते हो। बस अगर आपको जल्दी रिप्लाई ना मिले तो नाराज मत होना, परेशान मत होना, क्योंकि हमें हज़ारों की संख्या में मैसेज मिलने वाले हैं और टीम हमारी छोटी सी है, इतने बड़े लोगों को हम इतना जल्दी मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए, बाकी हमने वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दे रखे हैं, उनको देख लीजिए। कुछ ना समझ में आए तो बार बार संपर्क करने की कोशिश करिए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।